आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 में हुआ और 1680 में उनका देहांत हो जाता है। मात्र 6 वर्ष के शासनकाल में शिवाजी ने बतौर शासक यानी कि राज्याभिषेक के बाद बतौर राजा बहुत कम काम किया, लेकिन जो भी कार्य था उसी पर मराठा साम्राज्य की एक मजबूत बुनियाद टिकी हुई थी। जैसा कि हम पाते हैं कि शिवाजी जनवरी 1677 में किलेदार हुसैन खां भियाड़ा को पराजित किया और हुसैन खां भियाड़ा को पराजित कर एल बरगा जीत लिया। एल बरगा का महत्व सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक था और ये कर्नाटक राज्य में स्थित था। अगले वर्ष यानी कि 1678 ईस्वी में किलेदार अब्दुल्ला हफ्सी पर भी आक्रमण किया शिवाजी ने और जिंजी का किला जीत लिया। ध्यान रहे, यह जिंजी का विजय 1678 में शिवाजी के जीवन काल का अंतिम विजय था, जिंजी विजय। इसके बाद 1679 और 1680 ये 2 वर्ष शिवाजी के बड़े तकलीफ में गए, बड़े कष्ट में गए। और कष्ट का कारण क्या था कि शिवाजी के पुत्र संभाजी शिवाजी की पत्नी येसुबाई के साथ मिल गया। अब येसुबाई के साथ दक्कन के मुगल सूबेदार को भी ले लिया जिसका नाम था दिलेर खां। सब ने मिलकर के दिसंबर 1678 में एक गुट बना लिया, यानी संभाजी, येसुबाई और मुगल सूबेदार दिलेर खां। हालांकि एक वर्ष बाद पुनः उनकी चक्षु खुला और वे उस गुट को भंग करके मराठा राज्य में वापस लौट आए। ऐसे में शिवाजी को भविष्य की चिंता हुई और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें घोर निराशा इस बात की हुई कि उनका उत्तराधिकारी दुराचारी निकल गया था। दूसरा राजकुमार जिसका नाम था राजा राम, उसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी। शिवाजी के जो पटरानी थी सोयराबाई, वे संभाजी की जगह पर अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। मोरोपंत पिंगले और अन्नाजी दत्तो जैसे योग्य मराठा मंत्री आपस में झगड़ा कर रहे थे महत्वपूर्ण पद पाने के लिए। इन्हीं परिस्थितियों में शिवाजी ने अपने गुरु रामदास की शरण ली और रामदास ने जो सलाह दिया उससे भी शिवाजी की समस्याओं का, उत्तराधिकार के समस्याओं का कोई अस्थाई हल न निकल सका। अंततः परेशान शिवाजी ने 14 फरवरी 1680 को रायगढ़ में राजा राम का यज्ञोपवीत करते हुए विवाह करा दिया, क्योंकि संभाजी जो कि इस पद के दावेदार थे इस समय पन्हाला के किले में कैदी थे। उपयुक्त कारणों से शिवाजी 1680 में बीमार भी पड़ गए इन्हीं सब दवाओं में और 3 अप्रैल 1680 को अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवाजी का अंतिम संस्कार सोयराबाई के पुत्र राजा राम ने ही किया। ध्यान रहे कि शिवाजी के कुल 7 पत्नियां थीं, 7 वाइफ्स, और उनमें से एक पत्नी पुतली बाई थी जिन्होंने शिवाजी के मृत्यु पर सती प्रथा को पालन करते हुए शिवाजी के साथ सती हो गई। इस प्रकार शिवाजी के कुल 7 पत्नियों में पुतली बाई ही शिवाजी के साथ सती हुई। 1680 के बाद मराठा प्रशासन पेशवाओं के हाथ में जाता है, जिसका वर्णन हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।